नाउ समरी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एक बार हम देखेंगे वैन द सेल्स आर इन सीरीज करेंट फ्लोइंग इज एन ई अपॉन आर प्लस एन आर ये एक्सप्लेन किया है मैंने आपको राइट सीरीज कॉम्बिनेशन में एन को एन सेल्स को अगर आप सीरीज में डालते हैं तो वैन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द ई एम एफ इनक्रीजेज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो इनक्रीजेज बट द करेंट कैपेसिटी रिमेन्स सेम एज दैट ऑफ अ सिंगल सेल

करंट कैपेसिटी इंक्रीज़ेस एक सेल से ए आई दूसरे से आई तीसरे से आई सब ऐड हो जाती थी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ेस अगर एन सेल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता था आर बाई एन फॉर गेटिंग हाई वैल्यू ऑफ करंट सेल्स शुड बी ग्रुप्ड इन पैरल मिक्सड ग्रुपिंग सेल्स कनेक्टेड इन मिक्सड ग्रुपिंग आई इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर ये रट लेना मिक्सड ग्रुपिंग में कैपिटल आर के साथ पैरल वाले एम आएगी और स्मॉल आर के साथ में जो सीरीज वाली फैक्टर है वो आएगी और एम एन ई ये जो है ये दोनों में आएगी एम और एन और ई नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज एन एम नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरल आर एक्सटर्नल रजिस्टेंस कनेक्टेड विद द सेल्स आर स्मॉल आर इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ईच सेल हम इसको रटने के लिए एक हुक बना लेते थे कैसा बना लेते थे है ना एम एन ई तो सभी में है नीचे आर के साथ में एम है एन के साथ में स्मॉल आर है मैंने ऐसे जस्ट वो किया था कि जो मोतीलाल थे मोतीलाल वो फादर थे कैपिटल आर थे तो एम के साथ कैपिटल आर और जो नेहरू थे वो बेटे थे उनके छोटे थे तो एन के साथ में स्मॉल आर जस्ट मेमोराइज करने के लिए बना लिया था ताकि याद रहे वन इंपॉर्टेंट कंडीशन इज अ सर्किट हुज़ रेजिस्टेंस इज आर सर्किट का रेजिस्टेंस है आर ये लगा हुआ है टू एन सिमिलर सेल्स कितने सेल्स हैं एन सेल्स हैं हमारे पास इफ द करंट इन द सर्किट इज़ द सेम वेदर द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरल सीरीज में और पैरल में सर्किट में सेल्स को जोड़ देने पर करंट सेम होती है हर बार दोनों बार तो अगर एन सेल्स सीरीज में लगेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाता था एन आर ई कितना हो जाता था एन ई What is the external resistance? It is R. What is the condition? Condition इसमें हम ओम सिला लगा सकते थे। V is equal to I into R, N R plus R. Current is equal to आ गया था। It is N E divided by N R plus R. कब? Series में। When they are connected in parallel, so parallel अगर आपको याद हो गया So, it is R by N, EMF remains same, it is E, external resistance is R. What is the condition? Condition is Ohm's law, E is equal to I into R by N plus R. So, take LCM here, N, it is R plus NR, it is E is equal to this. So, current here is

R plus nR cross cancel cancel cross multiplication R plus nR is equal to nR plus R इसको इधर ट्रांसफर कर लो R को इधर ट्रांसफर किया एंड टेक R कॉमन इट इज n minus one is equal to R इस ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड एंड R इज कॉमन इट इज अगेन n minus one एन माइनस वन इज ऑल्सो कॉमन डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं द कंडीशन इज टोटल आर इज इक्वल टू इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ वन सेल इट इज आर आर इज इक्वल टू आर दिस इज द कंडीशन अब इसको मेमोराइज कर लेना आप वॉट इज द करेंट फ्लोइंग कर फ्लोइंग इज एन ई अपॉन एन आर प्लस आर सीरीज वाला मैंने ले लिया अब आप इसको क्या कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर है दोनों इक्वल इक्वल थे टेक आर कॉमन इन द डिनोमिनेटर वॉट इज इट इट इज एन ई अपॉन आर कॉमन ले लिया एन प्लस वन इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एन ई अपॉन एन प्लस वन इंटू इस आर की जगह ये आर डाल दें क्यों डाल दें क्योंकि दे आर इक्वल इक्वल बराबर बराबर है